इसराइल हमास युद्ध के जंग की आज कई देशों को अपनी आग से जला रही है। इसराइल और उसके समर्थन वाले देशों को हमास के साथ प्रॉक्सी संगठनों का भी सामना करना पड़ रहा है। लाल सागर पर हो रहे लगातार हूतियों के हमलों से इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर काफी गहरा असर पड़ा है। लाल सागर में हूती के ज्यादातर हमले इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के मालवाहक जहाजों पर होते हैं। हूती लगातार मालवाहक जहाजों और युद्ध पोतों पर रॉकेट, मिसाइल और घातक ड्रोन से हमला कर रहा है। हूती के हमले से परेशान अमेरिकी सेना ने कई बार उस पर पलटवार किया है, लेकिन हूती अपने हमला करने की आदत से बाज नहीं आया। यहां तक कि नए शिपिंग रूट केप ऑफ गुड होप पर हमला करने के लिए उसने लंबी दूरी वाले हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाल सागर में शुरू हुआ संग्राम अब अदन की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए विकराल रूप ले चुका है। इस कड़ी में ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने अदन की खाड़ी में एक यूक्रेनी जहाज पर भीषण हमला किया। इस हमले की जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दी है। सेंटकॉम ने कहा कि यूक्रेनी जहाज एमवी वर्बेना पर हूती के मिसाइल हमले के बाद कार्गो जहाज पर सवार चालक दल ने जहाज को छोड़ दिया, जिसके बाद एक दूसरे जहाज अन्ना मेटा ने चालक दल को बचाया। सेंटकॉम ने कहा कि हूतियों द्वारा किया गया हमला लाल सागर और अदन की खाड़ी में नाविकों के जीवन को खतरे में डालता है। इसके साथ ही सेंटकॉम ने बताया कि जहाज लकड़ी का काम किए हुए सामान को लेकर मलेशिया से इटली जा रहा था। अमेरिकी सेना के मुताबिक वर्बेना पर सवार चालक दल ने संकट कॉल जारी किया, क्योंकि वे हमले से भड़की आग को नियंत्रित नहीं कर सके और इस हमले में एक नाविक गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे अमेरिकी सेना ने सुरक्षित निकाला। इस कड़ी में हूती प्रवक्ता याह्या सारिया ने कहा कि जहाज वर्बेना पर सीधा हमला किया गया, जिससे उसमें आग लग गई। इसके साथ ही दो और जहाजों सिरगार्डियन और एथिना पर भी हमलों की पुष्टि की। साथ ही सारिया ने चेतावनी जारी की कि यह ऑपरेशन गाजा में लड़ रहे हमारे भाइयों के लिए समर्पित है। दुश्मन के जहाजों पर हमला करना फिलिस्तीनी राष्ट्र को यमन के सशस्त्र बलों की ओर से ये उपहार है। लाल सागर में दो डूबते जहाज फिलिस्तीनी प्रतिरोध को हमारा उपहार है। इसराइल के साथ डील करने वाली सभी कंपनियों को चेतावनी, इसका परिणाम क्या होगा जरूर सोचें। बता दें कि अदन की खाड़ी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है जो स्वेज नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़ता है। आतंकवादियों ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को समर्थन देना है, ताकि मालवाहक जहाजों के लिए इसराइल पहुंचना मुश्किल हो जाए। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती ठिकानों पर कई बार सैन्य हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के हालिया हमलों में हूती को बड़ा नुकसान भी हुआ है। इस हमले में हूती विद्रोहियों के कई रडार तबाह हो गए। हूतियों के 7 रडार, 1 ड्रोन और 2 जहाज नष्ट हुए थे। अमेरिकी सेना की ओर से ये हमला पूर्व में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स हूती विद्रोहियों के ठिकाने को नष्ट करने की कोशिश में रहती है, लेकिन हूती अपनी हरकतों से इतने आसानी से बाज नहीं आने वाला है।